हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 11:20 और इसका है एग्ज़ाम और मैं इसके गुत बना रही हूँ। तो इसने बोला कि मुझे फ्रेंच गुत कर दो, क्योंकि आगे से बाल काट रखे हैं तो वो छोटे हैं और फिर वो आगे आते रहते हैं, तो फिर पूरा आगे से गूँथ के और अच्छे से गुत बना दो। तो मैं इसके गुत बनाने लगी थी अभी। तो फ्रेंड्स, इसके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ और कर्ली हैं, तो इसमें कंघी करने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत उलझ जाते हैं। बट अभी गिल्ले हैं तो इसलिए आराम से गुत हो पा रही है, वरना पहले तो इनको सुलझाना ही मुश्किल चला जाता है। तो अभी मैं गिल्ले गिल्ले में इसीलिए कंघी कर रही थी और थोड़ा सा मैंने ऑयल भी लगा लिया था ताकि ज़्यादा उलझे ना। फ्रेंड्स, देखिए चोटी मैंने इसकी गूंथ दी है और इसका फ़ायदा ये है कि आगे के जो भी छोटे बाल हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हो गया है लंच टाइम और मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो पर बने रहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, बताइए कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूँ बिल्कुल ठीक और अभी हुआ है लंच टाइम और आज फरमाइश आई है कि लंच में बनाया जाए पोहा और साथ में चाय। तो मैं कर रही हूँ पोहा बनाने की तैयारी और यहाँ पे मैंने चाय के लिए पानी रख दिया है। ये देखिए, साथ में मेरी चाय बन रही है और साथ में क्या, अभी सिर्फ चाय बनेगी पहले और उसके बाद मैं पोहा बनाऊंगी, क्योंकि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो रहा है तो वो अभी बहुत कम कम चल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर लूँ पहले, तो अभी एक ही चूल्हा चल रहा है मेरा। तो फिर पहले मैं चाय बना लूँगी और उसके बाद पोहा बनाऊँगी, क्योंकि दोनों चूल्हे एक साथ तो चलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने पोहा भिगो के रख दिया है और इसके लिए मसाला तैयार कर दिया है, प्याज नींबू वगैरह मिर्ची वगैरह काट के जो भी चाहिए। और अब मैं बना रही हूँ चाय। मेरे हस्बैंड ना पोहे के साथ चाय पीते हैं, तो उनके लिए चाय बनानी पड़ रही है। मैं तो पीती नहीं हूँ लेकिन उनको चाय चाहिए होती है, उनको चाहिए पोहे के साथ चाय। तो चाय तैयार हो रही है मेरी और उसके बाद बनेगा पोहा, क्योंकि पोहे में तो टाइम लगता ही नहीं है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने पोहे के लिए क्या क्या सामान तैयार किया है। ये है मेरे पास राई, साबुत राई, और ये है नमकीन। ये पोहे में डालने के लिए स्पेशल नमकीन लाए हैं मेरे हस्बैंड। और ये देखिए, ये मैंने प्याज काट के रखा है, साथ में हरी मिर्च काट के रखे है इसमें। और यहाँ पर मैंने पोहा रख दिया है भिगो के और इसको अब सिर्फ तड़का लगाएंगे और 2 मिनट में पोहा तैयार। तो पहले बन रही है मेरी चाय। अभी चाय बनने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि गैस बिल्कुल खत्म हो चुकी है और ये सुबह चपाती भी मैंने इतने ही टाइम लगा के बनाई है इसमें, तो मैंने सोचा कि इसको वेस्ट क्यों करना, पूरा ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी चल रही है, जब तक ये खुद बंद नहीं होगी तब तक मैं इसको चेंज नहीं करूँगी सिलेंडर को। तो ये देखिए मेरी चाय तैयार हो चुकी है और अब मैं चढ़ाऊँगी यहाँ पे पोहा। इसमें मैं पोहा बनाऊँगी अब। ये देखिए,
एक तो फ्रेंड्स आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है और ऊपर से फिर गैस कम है, तो बर्तन को गर्म होते होते बहुत टाइम लग रहा है। चाय पे मैं ढक्कन रख देती हूँ वरना ये तो ठंडी हो जाएगी बिल्कुल, दोबारा से गर्म करनी पड़ेगी क्योंकि इसको गर्म होते अभी बहुत टाइम लग रहा है, अभी तेल गर्म होते होते तो तब तक चाय ठंडी हो जाएगी। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है और इसमें अब मैं डालूंगी जीरा और फिर साथ साथ में थोड़ी सी हल्दी और नमक। और अब इसमें डालूंगी थोड़ी सी राई, और राई मैं लास्ट में डालती हूँ क्योंकि ये चटक जाती है और सारी गिर जाती है फिर, तो इसलिए मैं राई लास्ट में डालती हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला, पर इसमें हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, पर हरा धनिया अभी है नहीं मेरे पास तो अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी, और ये इसमें डालूंगी नींबू, तो ये देखिए पोहा और चाय तैयार है और अब मैं देकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स पोहा हो चुका है मेरा तैयार और अभी मैं खा रही हूँ पोहा, आप भी खा लीजिए। फ्रेंड्स इसमें प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च मैं ऊपर से डालती हूँ और ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, तो अभी मैं तो खा रही हूँ, आप भी खा लीजिए पोहा। फ्रेंड्स आज मौसम बहुत ख़राब हो गया है और ये देखिए बादल ही बादल है, धूप कहीं सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है,
तो मैंने कपड़े धोए थे सुबह, इतने सारे कपड़े धोए थे बट धूप निकली नहीं है तो अभी ये सारे गिल्ले पड़े हैं। और ये नीचे छोटे छोटे पप्पी ये आपस में लड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पेड़ के पीछे, इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वाइट कलर के हैं तीनों। तो अभी देखिए कपड़े पता नहीं मेरे गिल्ले हैं या सूखे हैं, कोई पता नहीं है, अभी मैंने देखे नहीं है जाके, तो अभी देखती हूँ। अगर सूखे होंगे तो अंदर रख दूँगी, अगर गिल्ले होंगे तब भी अंदर ही रखने पड़ेंगे, पर मशीन में डाल के रखूँगी, फिर कल सुबह और डालूँगी। पर अभी 2-3 दिन की बारिश बताई है बहुत ज़्यादा और येलो अलर्ट है, तो पता नहीं अब कब तक सूखेंगे। आजकल यही प्रॉब्लम होती है सर्दियों में, अगर एक बार, और मोटे कपड़े जैकेट वगैरह जो धो रखे हैं ना, स्वेटर वगैरह, वो तो सूखते ही नहीं है, उनको तो बहुत टाइम लगता है और स्मेल भी आ जाती है फिर गिल्ले गिल्ले कपड़ों में। तो अभी देखते हैं, पता नहीं अब कितने दिन का मौसम ख़राब है। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं मार्केट में और कुशमिता को लेनी है ड्रेस की पैंट। और ये देखिए बिल्ली, ये कितनी क्यूट लग रही है यहाँ पे बैठी हुई, और ये ना गुड़ गुड़ की आवाज़ निकाल रही थी मुंह से, तो मैंने सोचा इसकी भी थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ साथ में। कोई पता नहीं मार ही दे कहीं तो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डल रहा है अचार, और ये तेल मैंने गर्म कर दिया है, और तेल को गर्म करके फिर ठंडा कर लेना है इसको, और उसके बाद इसमें मसाले डालने हैं, साबुत मेथी और साबुत जीरा। तो ये देखिए काफ़ी ठंडा हो चुका है, तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, और साबुत जीरा और मेथी डालने के बाद इसमें जो मैंने खट्टे काट के सुखाए थे वो डाल दिए हैं ये देखिए। और इनका ना थोड़ा येलो येलो और रेड रेड सा कलर आ गया है, क्योंकि मैंने इसमें हल्दी मिक्स कर दी थी ना, तो इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। देखिए रेड कलर आ गया इसमें हल्दी का, और ये काफ़ी सूख भी चुके हैं अब, तो इसमें थोड़ा सा गलने में टाइम तो लगेगा, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये खट्टे डालने के बाद, और देखिए मेरे हस्बैंड बहुत खुश रहते हैं अचार डालने के लिए, और साथ में मैंने इसमें थोड़े से छुहारे डाल दिए हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है खट्टे और छुहारे डाल के। और अब इसमें जो भी पीसे हुए मसाले हैं वो सारे ऐड करके फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है, गुड़ डाल के बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं रहता और बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी हम दोनों कर रहे थे अचार डालने की तैयारी, तो मेरे हस्बैंड तो अचार डालने के लिए बहुत खुश रहते हैं। ये देखिए छुहारे और खट्टे का अचार हमने डाल दिया, और अब इसमें पीसे हुए मसाले ऐड कर रहे हैं। तो तेल इसमें अच्छे से मिला लेना है, और नमक इसमें स्वाद अनुसार जितना आपको चाहिए उतना डाल दे, और वैसे नमक इसमें अगर तेज ही रखेंगे थोड़ा तो जल्दी ख़राब नहीं होता अचार। तो अभी मैं कढ़ाई में ही नमक और तेल को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ सारे अचार में, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसे जार में डालूँगी। फ्रेंड्स आजकल अचार का सीज़न है, आजकल सभी अचार डाल के गर्मियों के लिए स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि ये जो खट्टे हैं ये आजकल के ही मौसम में होते हैं, ठंड में ही होते हैं। और नींबू मिर्ची का अचार तो हम कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ये छोलंग और गलगल जो हमारे होते हैं, तो ये हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे छोलंग बोलते हैं, और तो ये आजकल के ही मौसम में होते हैं, और इसका छिलका बहुत मोटा होता है, काफ़ी मोटा छिलका होता है, और जो इसका बाहर का पतला छिलका निकालने के बाद अंदर जो मोटा छिलका बचता है वो मीठा होता है। तो ये हमने इसीलिए मैंने इसका जो पतला पतला छिलका निकाला था, और जो बाकी छिलका है वो वैसे ही रहने दिया इसमें, तो ये गल जाएगा तो बहुत बहुत टेस्टी बनता है। तो अभी इसको हम डाल के रख देंगे, और अभी इतनी जल्दी ये तैयार नहीं होगा क्योंकि मैंने सुखा लिया धूप में, तो इसमें तैयार होते टाइम लगेगा, तो ये गर्मियों के लिए तैयार होगा। तो फ्रेंड्स छोलंग और छुहारे का अचार हमारा डल चुका है, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स अब कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तो कल तक के लिए गुड बाय।